तो हमारे प्यारे दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल खबर मन मर्जी की में। तो अभी हम आ चुके हैं ग्राउंड 007 पे। अभी हम जो ना कुछ युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। अबे तू तो फ्रेम में आ जा, तू कहाँ जा रहा है? तो हाँ, मतलब वही हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर, तो अभी हम यहाँ जो ना कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आ रहे हैं एक युवा, इनसे ही बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ भैया 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 भैया। हाँ तो बेटा, बताइए हमें कि जो ना ये सरकार जो अग्निपथ स्कीम लाई है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? हमें कुछ दिक्कत नहीं है इस योजना से। अच्छा, माइक थोड़ा पीछे रखो, मुँह में घुसोगे क्या? अरे यार नाराज ना होइए, बताइए आप, बताइए। चलिए, इस योजना से कम हमें 4 साल की नौकरी तो मिलेगी। बहुत टाइम से बेरोजगार बैठे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उसके बाद एटीएम के बाहर हमें गार्ड की नौकरी मिल जाएगी, मोदी जी ने वादा करा है। मैं नहीं मानता। तो मतलब आपको इस योजना से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब आप बस वगैरह, मतलब इसमें कोई किसी चीज़ में आग नहीं लगाओगे? नहीं नहीं, क्यों? ट्रेनें भी नहीं जलाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे छोटी मोटी एक साइकिल तो जला ही देना। क्यों जलाएंगे, सरकार की संपत्ति है, क्यों जलाएंगे? अरे फिर हमारे चैनल पे क्या कर, साला हमारा चैनल बंद कराओगे? भाग यहाँ से, एक कैमरामैन कट कर देना इसको जरा। चलिए फिर किसी और से पता करते हैं हम। आइए इन भैया से पता करते हैं बेटे। क्या भैया, फौज वौज की तैयारी जोरों शोरों में चल रही है? पूरे पसीने पसीने हो रहे हो। भाई कौन सा फौज की तैयारी है भाई, हम तो बेलदारी करके आके बैठे हैं अभी अभी बिल्कुल यहाँ पर। मतलब आप फौज की तैयारी नहीं कर रहे? हम काय फौज की तैयारी करेंगे, मतलब हर बिहारी फौज में जाएगा क्या? बात तो सही है। अग्निपथ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भैया इंटरव्यू ले रहे हो क्या हमारा? हाँ इंटरव्यू चल रहा है आपका, बिल्कुल। मतलब हम टीवी पर आएंगे? अरे बिल्कुल टीवी पे ही आओगे आप, वो मतलब देखो कैमरा चल रहा है ना उधर हमारा। मतलब हमारा पूरा गांव देखेगा का? पूरा गांव, पूरा देश आपको देखेगा, पूरा देश। तो हम खड़े होकर दे इंटरव्यू, थोड़ा शर्ट वर्ट पहन के अच्छा लगेगा ना। चलिए खड़े होइए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी एक मिनट पकड़ेगा। हाँ लाइए ना, एक मिनट लगेगा हमें। अरे यार टीवी में आओगे, फिल्मों में नहीं जाओगे? एक मिनट यार, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है ना? अरे हाँ बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। क्या मेकअप आर्टिस्ट बुला दें तुम्हारे लिए? बताइए यार, अब मतलब अग्निपथ के बारे में आपका क्या विचार है? अग्निपथ भैया देखो, अग्निपथ तो बहुत बढ़िया, हमें बड़ा ही मजा आया था अग्निपथ देखने में। उसमें जो संजय दत्त ने कांचा का भैया उधर है ना, कैमरा कैमरा उधर, एक मिनट कांचा संजय भैया बता रहे हैं ना, उसमें जो कांचा का रोल संजय दत्त ने किया, मतलब एक नंबर रोल कर। अरे कहना क्या चाहते हो? करा बड़ा ही हमें, मतलब थिएटर में हम 3 बार फिल्म देखने गए, वो थिएटर में बड़ा ही मजा आया। और उसके बाद अरे रुकिए रुकिए, थोड़ा हमारी तरफ देख के बोले, कैमरे में आप देख के बोल रहे हैं, अरे टीवी में तो आप आ ही जाएंगे। और ये क्या मतलब अग्निपथ और ये संजय भैया? चुप रहिए आप, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल एक तो देखने लायक है नहीं, हम अपना चेहरा दिखाएंगे, हमारा पूरा गांव देखेगा, आपको पता है कुछ? उसके बाद जो कैटरीना कैफ आई, आई चिकनी चमेली। रुको जरा, सबर करो। तो भैया एक काम और करिए, जब इतना सब बता ही दिए हैं तो अब जो ना ऋतिक रोशन के बारे में और बता दीजिए। साला न्यूज़ तो हमें मिला नहीं, कम से कम अग्निपति दिखा देंगे। भैया ऋतिक रोशन तो एक नंबर का खूबसूरत आज, मतलब इंडिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत ऋतिक रोशन हमारा, मतलब ये लगा लो उस फिल्म में उसको बदसूरत दिखाने के लिए उसका मेकअप करा। और एक तुम अपनी शक्ल देखो, तुम्हें खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप करना पड़ता है साला। गजब बेइज्जती है। ए कैमरामैन कैमरा बंद कर, साला पूरी न्यूज़ का कबाड़ा कर दिया। क्या न्यूज़ बनाना आए थे, क्या करना आए थे? बंद कर इसको यार, बंद करके।